हेलो गाइस, मैं हूं कामरान रजा और आप देख रहे हैं द गेट न्यू टेक यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कुछ इस रिलेटेड है कि हम जब भी स्मार्टफोन के ऊपर सेलुलर नेटवर्क किसी के ऊपर कॉल कर रहे होते हैं और आगे वो कॉल उस मोबाइल के ऊपर रिसीव नहीं हो पा रही होती, तो इसका बेसिकली मकसद क्या, क्यों नहीं रिसीव हो पा रही होती। अगर हम उस मोबाइल से कॉल करते हैं तो वो कॉल हो जाती है, लेकिन जब हम वापस कॉल करते हैं या तो आप लोगों का ये जो सेलुलर नेटवर्क है वहाँ पे ये जवाब मौसूल होता है कि या आपका जो नेटवर्क है जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो या तो आउट ऑफ कवरेज है या बंद है या जवाब नहीं मौसूल हो रहा और वो सिम भी चल रही होती है। बेसिकली बात यह है कि वो सिम चल रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगा और थोड़ा सा वीडियो में आगे चल के दूँगा जिसमें आप लोग को मैं बकायदा करके दिखाऊंगा उसको सोल्यूशन के किस तरह से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली मसला ये होता है कि हमारा जो सेलुलर नेटवर्क है जो कि हमारा मोबाइल में चलता है, जिस तरह अभी पहले 2G था, फिर 3G हो गया, फिर 4G, अभी 5G आने वाला है पाकिस्तान में बहुत जल्द। अभी लॉन्च तो नहीं हुआ ऑफिशियली, लेकिन आने वाला है। तो बेसिकली 3G और 4G जो होता है उसके दरमियान का जो रिलेशनशिप है, आज मैं वो आप लोगों से डिस्कस थोड़ा बहुत करूँगा। हमारा जो मोबाइल है वो ऑटो मोड पे लगा होता है कि जहाँ पे 3G का सिग्नल आ रहे हो तो वहाँ पे 3G का सिग्नल कैच कर लेता है, जहाँ पे 4G का सिग्नल आ रहे होते हैं वहाँ पे मोबाइल जो है वो 4G का सिग्नल कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब ऑटो मोड पे लगा होता है ना, तो किसी जगह पे 3G के सिग्नल भी ड्रॉप हो रहे होते हैं और 4G के भी क्लियर नहीं आ रहे होते, तो उस जगह पे ये मोबाइल को कन्फ्यूजन हो जाती है। ना तो वो 3G का सिग्नल पकड़ सकता है, ना ही 4G के पकड़ सकता है। इस वजह से उसका सारा का सारा जो सेलुलर नेटवर्क है वो इनकमिंग कॉल्स के लिए डिस्टर्बेंस हो जाता है, आउटगोइंग कॉल्स हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मसला मेरे साथ भी पेश आया, तो इस वजह से मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है। तो अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में हों जहाँ पे 3G के सिग्नल भी वीक हो रहे हों और जो 4G के सिग्नल्स हैं वो भी सही नहीं आ रहे, तो आप लोग क्या करें, या तो उसकी सेटिंग में जाकर उसको मैनुअल तरीके से 3G या 2G सेट कर दें कुछ टाइम के लिए। जब आप वहाँ से निकल जाएँ तो वहाँ पर फिर आप लोग उसको ऑटो मोड पर कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि जब हम 3G या 4G के ऊपर जो भी वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बेशक 2G करेंगे, तो अगर हम वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते होंगे तो वो भी उसी हिसाब से यूज़ होगा। 3G का सिलेक्ट करेंगे तो 3G के हिसाब से होगा, 4G सिलेक्ट करेंगे तो 4G के हिसाब से होगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते और आप लोगों को नेक्स्ट मैं वीडियो में करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है और आप लोग इसको इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था हाउ टू प्ले अमंग अस गेम। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाकर आप लोगों भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक टर्म। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है अपनी मोबाइल की सेटिंग में, लेकिन सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को नेटवर्क इंटरनेट पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। आपको मोबाइल नेटवर्क्स में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को देखे जा सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क, यहाँ इसको आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है ऑटोमेटिक को और ये थोड़ी बहुत सर्चिंग लेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट तक ये यहाँ पे जो है वो लोडिंग ले सकता है, ताकि वो नया डाटा को लोड करने के लिए थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि जब कोई भी नया डाटा लोड हो रहा होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होती है नेटवर्क की, तो ये थोड़ा बहुत लोड लेता है। तो ये तकरीबन अभी ख़त्म होने वाला है। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने जैस 4G ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, अगर आप जैस 3G के ऊपर क्लिक कर दें और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर अभी भी आप लोगों का मसला हल नहीं होता तो आप जैस 2G भी कर सकते हैं, वारिद भी, इवन आप लोग वारिद 4G और वारिद 3G भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, वो भी आप लोग अपने जैस की सिम से आप लोग जो है वो वारिद कि अगर आप लोगों के पास कोई है नेटवर्क अच्छा है तो आप लोग उसको भी एक्सेस अपने जहाज पे कर सकते हो इजीली यहीं से। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं एक्सेस कर सकते वो उस लिस्ट में फॉरवर्ड आना जाता है, जिनको हम कर सकते हैं उसके आगे कुछ नहीं होता। तो आप 3G सिलेक्ट कर लें जहाज, या जहाज 2G सिलेक्ट कर लें, जो भी आप लोगों का दिल करे। ठीक है, आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क्स ढूंढ के यहाँ से इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।